हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं मिनी जगला सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की, सीजीपीएससी की, रेलवे की, एसएससी की, बैंकिंग की या फिर ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल होने वाले एग्जाम में दोस्तों वर्ल्ड कप से एक नया क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। टी20 वर्ल्ड कप हाल ही में खत्म हुआ है दोस्तों, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला टी20 खिताब जीत लिया है। इस वीडियो में दोस्तों जो भी क्वेश्चन बताया गया दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। टी20 वर्ल्ड कप 2021 की विजेता टीम कौन सी थी दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया थी दोस्तों, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों हाल ही में अपना पहला टी20 खिताब जीता है, बिल्कुल याद रखिए इनका पहला खिताब था दोस्तों, याद रखना है। जब से टी20 शुरू हुआ है दोस्तों इसने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है दोस्तों, याद रखना है। ये 5 बार वर्ल्ड कप की विजेता भी रह चुकी है दोस्तों, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप का इनका पहला खिताब था, बिल्कुल याद रखिए फर्स्ट था। ठीक है दोस्तों, आप इमेजेस में देख सकते हैं ये सेलिब्रेट करते हुए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत को। टी20 वर्ल्ड कप में 2021 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 16 टीमों ने। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें इसकी प्रायिकता हो सकती है दोस्तों, बिल्कुल याद रखें इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ था दोस्तों, बिल्कुल याद रखें यूएई और ओमान में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया लिखा गया है दोस्तों आयोजन किस देश में हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि आयोजन किसने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन करता कौन सा था दोस्तों, तो आपको याद रखना है भारत था। ठीक है दोस्तों, आयोजन होना दोस्तों और आयोजन करता दोनों में बहुत अंतर है, आयोजन करता था दोस्तों भारत, ठीक है दोस्तों, लेकिन आयोजन कहाँ हुआ था, यूएई और ओमान में। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको याद रखना है ये आयोजन जो था दोस्तों वो होने वाला था भारत में, लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से दोस्तों ये आयोजन यहाँ नहीं हो सका, जिसकी वजह से भारत ही था दोस्तों आयोजन करता, लेकिन इसका आयोजन कराया गया था यूएई एंड ओमान में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों दोनों पॉइंट याद रखिएगा, आयोजन एंड आयोजन करता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का आयोजन किस मैदान पर हुआ, ये मैदान याद रखिए दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। हाल ही के दोस्तों जितने भी टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस हुए दोस्तों वो तीन ही मैदान पर हुए थे, आपको याद रखना है, पहला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दूसरा याद रखना है आपको अबू धाबी शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, और थर्ड नंबर था दोस्तों ओमान क्रिकेट अकादमी। ठीक है दोस्तों, ये तीनों स्टेडियम में ही पूरे टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस हुए थे, बिल्कुल यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टी20 वर्ल्ड कप का इतिहास लगभग कितने साल पुराना है दोस्तों, आपको याद रखना है 14 साल पुराना है। टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत दोस्तों 2007 में ही हो गई थी और 2007 में टी20 वर्ल्ड कप विजेता था दोस्तों इंडिया, बिल्कुल याद रखिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों, किसे दिया गया था, डेविड वार्नर जी को। ठीक है दोस्तों, ये है डेविड वार्नर जी, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है दोस्तों, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया की जीत में सबसे बड़ा श्रेय जाता है दोस्तों तो जाता है डेविड वार्नर जी को पूरे सीरीज में दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया, तो आपको याद रखना है दोस्तों मिशेल मार्श को दिया गया था, ये है मिशेल मार्श दोस्तों, फाइनल मैच में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही दोस्तों, अगर आज ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप विजेता है दोस्तों उसने अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मिशेल मार्श की 77 रनों की पारी को दोस्तों, 77 रनों की पारी में इन्होंने 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए थे दोस्तों, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली। जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया टीम का सिलेक्शन हो रहा था दोस्तों, चयन हो रहा था, उस समय मिशेल मार्श के चुने जाने की प्रायिकता बिल्कुल जीरो थी दोस्तों, लेकिन मिशेल मार्श को चुना गया और आज अगर ऑस्ट्रेलिया टीम जीती है दोस्तों उसको सबसे बड़ा श्रेय जाता है किसको, मिशेल मार्श को। इसीलिए तो बोलते हैं दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रनों का लक्ष्य दिया, बिल्कुल याद रखिए 173 रनों का लक्ष्य दिया था न्यूजीलैंड ने दोस्तों, निर्धारित 20 ओवरों में 172 रन बनाए थे दोस्तों और 173 रनों का लक्ष्य दिया गया था ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इमेज में केन विलियमसन को बल्लेबाजी करते हुए। न्यूजीलैंड के कप्तान ने फाइनल में कितने रनों की पारी खेली, बिल्कुल याद रखिए 85 रनों की पारी खेली, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है दोस्तों, जब मैच के स्टार्टिंग में दोस्तों तो यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से भारी गया था दोस्तों, स्टार्टिंग के 10 ओवर में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी बिल्कुल कुछ खास नहीं थी दोस्तों, लेकिन
केन विलियमसन द्वारा खेली गई 85 रनों की धमाकेदार पारी ने दोस्तों न्यूजीलैंड में एक उम्मीद की किरण जगा दी थी। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा ये मैच दोस्तों, काफी अच्छा। लेकिन सिर्फ केन विलियमसन ने ही पारी खेली दोस्तों, बाकी लोगों ने पारी नहीं खेली, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं इमेज में केन विलियमसन को। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टॉस किस टीम ने जीता दोस्तों, किस टीम ने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को लेने का मकसद ही यह है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के पूरे मैचेस में दोस्तों अगर कोई सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा था दोस्तों तो वो कर रहा था टॉस। ठीक है दोस्तों, टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। टॉस इंपॉर्टेंट होने के पीछे रीजन ये था कि दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतती थी दोस्तों वो पहले गेंदबाजी चुनती थी। क्या चुनती थी दोस्तों? गेंदबाजी चुनती थी। ठीक है दोस्तों, और जो टीम पहले गेंदबाजी करती थी दोस्तों उसके जीतने की प्रायिकता मैक्सिमम होती थी। ठीक है दोस्तों, अगर दो टीम मतलब बराबर परफॉर्मेंस वाले हैं दोस्तों उसके जीतने की सबसे बड़ी प्रायिकता रहती थी गेंदबाजी की। ठीक है दोस्तों, जो टीम गेंदबाजी करती थी उसके जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस होते थे, क्योंकि मैच जैसे ही स्टार्ट होता था दोस्तों तो मैदान पे ड्यू आ जाता था, और ड्यू आने की वजह से दोस्तों गेंद हरकत करने लग जाती थी, जिसकी वजह से जो पहले बल्लेबाजी करते थे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं होता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मिशेल मार्श ने कितने रनों की पारी खेली? बिल्कुल याद रखिए, 77 रनों की पारी खेली दोस्तों। ये है मिशेल मार्श। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जीत में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच किस तिथि को खेला गया? बिल्कुल याद रखिए, 14 नवंबर को खेला गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, T20 का मैच जो होता है दोस्तों ये 17 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर के बीच में हुआ था। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ही एक रिजर्व डे भी रखा गया था दोस्तों। कौन सा रिजर्व डे? 15 नवंबर को रखा गया था। बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, रिजर्व डे क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रिजर्व डे होता है दोस्तों जैसे कि बाढ़, मौसम, सुनामी या फिर बारिश की वजह से अगर मैचेस नहीं हो पाते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट डे में मैचेस कराए जाते हैं, इसको बोलते हैं रिजर्व डे। रिजर्व डे का उपयोग हाल ही में 2019 में जब भारत और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था दोस्तों वर्ल्ड कप में, उस समय इसका उपयोग किया गया था। T20 वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है दोस्तों? किसने जीता है? वेस्ट इंडीज ने जीता है। कितनी बार दोस्तों? 2 बार। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही कुछ ऐसे भी कंट्री है दोस्तों जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उन्हें भी जान लीजिए। जैसे कि एक बार इंडिया भी जीत चुका है दोस्तों, एक बार पाकिस्तान भी जीता है, एक बार दोस्तों श्रीलंका ने भी जीता है, आपको याद रखना है, और एक बार दोस्तों इंग्लैंड ने जीता है। बिल्कुल याद रखिए, ये सभी ऐसे सीरीज याद रखिए, टोटल 6 हो गए यार, और लास्ट टाइम जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कब से कब तक हुआ? याद रखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। लेकिन दोस्तों जो ग्रुप के मैचेस थे दोस्तों वो 23 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे। बिल्कुल याद रखिए, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू के। ग्रुप वन के दोस्तों कब स्टार्ट हुए थे? 23 अक्टूबर को, एंड 24 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था दोस्तों ग्रुप टू का। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत में पहला मुकाबला किस टीम के खिलाफ खेला दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, पाकिस्तान के खिलाफ। कब खेला था दोस्तों? 24 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, इस बार पर दोस्तों पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, और इसमें भी दोस्तों टॉस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया दोस्तों। टॉस की वजह से इंडियन टीम को स्टार्टिंग में खेलने में काफी परेशानी हुई। आपने एक वाक्य सुना होगा यार, जिस टाइम पे मौका 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 ऐसा कुछ टाइप का आता है ना, उसमें क्या होता है, टीवी तोड़ते थे दोस्तों, तो यार आप तो घर की टीवी घर ही में रह गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस वर्ष शुरू हुआ? बिल्कुल याद रखिए, 2007 में शुरू हुआ था। पहले T20 वर्ल्ड कप के विजेता देश कौन था दोस्तों? भारत था। बिल्कुल याद रखिए, ये दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हर कितने साल में होता है दोस्तों? हर 2 सालों में होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिए, क्योंकि दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्या होता है, अगर ऑप्शन आते हैं दोस्तों तो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 3 साल, ऐसे टाइप के ऑप्शन है, और मैक्सिमम बच्चे यार दोस्त 4 साल ही टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि उन बच्चों को पता होता है दोस्तों, क्योंकि हर 4 साल में वर्ल्ड कप जीते भी होते हैं दोस्तों, वर्ल्ड कप का आयोजन हर 4 साल में होता है, और बाकी जो गेम्स होते हैं दोस्तों उनका भी आयोजन लगभग लगभग हर 4 साल में होता है। इसलिए बिल्कुल माइंड में हाईलाइट कर लीजिए, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हर 2 साल में होता है। अब तक कितनी बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हो चुका है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, 6 बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हो चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, 1928 में हुई थी। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सौरभ गांगुली जी है, एंड बीसीसीआई के सचिव कौन है दोस्तों? जय शाह।
बिल्कुल याद रखिए दोनों नाम इम्पोर्टेंट है। जैसा कौन है दोस्तों, ये अमित शाह जी के बेटे हैं। अमित शाह जी वर्तमान में हमारे होम मिनिस्टर हैं दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए इम्पोर्टेंट है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1909 में, बिल्कुल याद रखिए। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ग्रेग बार्कले, तथा सीईओ कौन है दोस्तों, आपको याद रखना है सीईओ का नाम भी याद रखिए, मनु शाहनी, मनु शाहनी। ठीक है दोस्तों, ये कौन है दोस्तों, मनु शाहनी एक इंडियन है, बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोगो देख सकते हैं दोनों दोस्तों, दोनों का, ये है बीसीसीआई का लोगो, ये एंड ये है आईसीसी का लोगो। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बिल्कुल याद रखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बिल्कुल याद रखिए आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है, एंड आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ग्रेग बार्कले, और सीईओ के बारे में आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल यहाँ याद रखिए मनु शाहनी, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।